है जो इस फील्ड में कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं और मौजूदा दौर के तकाजों के मुताबिक अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए हर वक्त हाजिर है। हम खुद इस कैंपस में सुबह 9 बजे से शाम तक मौजूद होते हैं आप लोगों की रहनुमाई करने के लिए और आप लोगों के साथ तआवुन करने के लिए। मैं एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग आए और आपने कोटम की अपील पे रिफ्लेक्ट किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मिस्टर तहसीन। नाउ कैंपस है कैंपस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे बात तो तकरीबन हो ही गई है, साबिर साहब ने बड़ी डिटेल आपसे गुफ्तगू कर ली है, तहसीन साहब ने भी तकरीबन सारी बात हो ही गई है। बस दो तीन चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट आपसे यहाँ कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप सब लोग का अगेन शुक्रिया और हैप्पी इंटरनेशनल शेफ डे आप सब लोगों को, होम शेफ्स को मेरी तरफ से भी आप सब लोगों को मुबारक हो। तो जनाब यहाँ पे आज सेलिब्रेशन हो रही है इंटरनेशनल शेफ डे की, ये तमाम और यहाँ पे तमाम होम शेफ जैसे कि इनवाइट किया गया, तो यहाँ पे उन्होंने
जी मेरी ब्रांड का नाम है मैप बेकिस्टा और ये मैंने अभी रिसेंटली तकरीबन साल भर हुआ है और ये मैंने स्टार्ट किया है। आप लोग ट्राई करें, नए नए आइटम हैं। मैंने जो है गौतम से डिप्लोमा किया है और नई नई वैरायटीज मैं लेके आ रही हूँ, नई नई चीज़ें लेके आ रही हूँ। जैसे कि ये मैंने बनाया है चिकन डोनट्स, ये अभी तक मेरे ख्याल में मैंने किसी का नहीं देखा। बहुत अच्छा लगा कि वो हमें इस प्लेटफॉर्म पे मुतारिफ करवा रहे हैं हमारे कौथम वाले और लोगों को पता चल रहा है और लोगों को डिशेस का भी पता चल रहा है और खाने पीने के भी पता चल रहा है कि मतलब क्या क्या वैरायटी है बेकिंग में, वरना लोग समझते थे सिवाय मीठे के बेकिंग में और कुछ है ही नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कौथम मैंने आज यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और मैंने जो डिशेज बनाई है चिकन पेस्ट्री बनाई है और चिकन ब्रेड बनाया है। तो आज चिकन पेस्ट्री और चिकन ब्रेड बनाया है। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए मेरे ख्याल से ताकि जो है उनकी दिल सौ के जिस तरीके से लोग जो है उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है और उनको नई नई चीज़ें सीखने और समझने का भी मौका मिलता है। इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए कौथम के अलावा भी और जगह से भी होने चाहिए। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? जी थैंक यू सो मच। मेरा नाम रजिया मुसानी है और मैं जियास किचन रन करती हूँ पिछले 5 साल से। ये अक्टूबर में मेरे 4 साल हो गए हैं, 5 साल लग गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं मेमन कुजीन से ताल्लुक़ रखती हूँ, इसके अलावा तमाम किस्म की जो है फ्रोजन आइटम मेरी तरफ से जाते हैं और ऑल फूड्स ऑफ टाइम मैं प्रोवाइड करती हूँ। आज के दिन के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे हमें जो है मदद किया गया है या हमें बुलाया गया है और हमारे स्किल को जो है इन्होंने अप्रोच किया है। आज मैं अपने स्पेशल मेमनी भुने छोले लाई हूँ जो कि मतलब मेरी मोस्ट रनिंग डिश है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजरा है और मेरे ब्रांड का नाम युसरा केटर्स है। और आज मैंने बनाए हैं चिकन सीख कबाब और इवली की चटनी के साथ। आज के दिन के हवाले से कि बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और ये शेफ़ डे के ऊपर हमें भी होम शेफ्स को भी रिकगनाइज किया जा रहा है और कौथम का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि कौथम वालों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करा खालिस्तन से होम शेफ्स के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत शुक्रिया कौथम का जिन्होंने हमें इन्वाइट किया। वालेकुम सलाम, मेरा नाम रिफत रहीम है और मेरे ब्रांड के नाम चखारा हट है। और आज मेरे कौथम ने हम होम शेफ्स को इनवाइट किया है, सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम लोग होम शेफ डेज की, तो बस उसी चीज़ में आगे सारे जमा हुए हुए और ट्रिब्यूट। मैंने जो बनाया है बेसिकली मैं दिल्ली कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने वहाँ का रिवायती मीठा बनाया है शाही टुकड़े विद रबड़ी। तो रबड़ी शाही टुकड़े है, बस ये है कि बना के लेके आई हूँ, उम्मीद है कि सब गेस्ट को ये सबको पसंद आएगा और एंजॉय करेंगे मेरे मीठे के साथ। क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? आज के दिन के बहुत बहुत खुश हैं हम लोग सारे होम शेफ क्योंकि हम लोग ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और हमारे भी जो है इस कॉम्पिटिटिव फील्ड में जो है हम लोग को भी नुमाया कारदगी करने का मौका मिल रहा है, तो हम लोग बहुत खुश हैं बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया है, मैं किचन एक्सपर्ट के नाम से पेज पे काम करती हूँ। पिछले 2 साल से मैं अपना पेज चला रही हूँ और थैंक यू फॉर कौथम कि उन्होंने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म फराहम किया होम शेफ्स को। और आज मैं खीर बना के लाई हूँ। मेरा नाम सायरा हारिस है और मेरे ब्रांड का नाम द पैशन फूड एंड बेकर्स है। मैं कौथम से ग्रेजुएशन कलरी आर्ट्स कर रही हूँ लेकिन मैं अपना होम मेड बिजनेस मोर देन 10 ईयर्स से कर रही हूँ और आज मैं हाइटी प्लेटर बना के लाई हूँ शेफ डे के हवाले से। तो आज के दिन के हवाले से मैं ये कहूँगी बहुत अच्छा लगता है कि अब शेफ्स को एक रिकग्निशन मिल गई है क्योंकि पहले इस चीज़ को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी, होता था घर में पकाया था जैसा भी हो, लेकिन अब इस चीज़ को बहुत अहमियत दी जा रही है और हम लोग को भी कुछ माना जा रहा है, कुछ पहचाना जा रहा है, हम लोग को भी बाकायदा तौर पर एक्नॉलेज किया जा रहा है। थैंक यू। और मैं डबल नॉट मेरे पेज का नाम है
और मैं यहाँ पर नए नाजम आबाद से काम कर रही हूँ 3 साल से। और मिस क्या बना के लाई हैं आज आप? मैं आज रबड़ी खीर बना के लाई हूँ। कम ऑन एवरीवन, मेक सम नॉइज। क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? आज के हवाले से हम यही कहना चाहेंगे कि जो सपोर्ट और प्रोफेशनल्स को मिलती है वो होम मेड को नहीं मिलती थी, जो यहाँ आकर मैंने महसूस की कि हाँ वाकई में ये भी एक कोई प्रोफेशनल प्रोफेशन है जिसकी वजह से हमारा भी आज नाम है कि हम होम मेड काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सजीला मुजाहिद हूँ, मेरा पेज है एंजॉय कुकिंग विद सजीला। यहाँ हम कौथम में आए हैं आज और अपने शोकेस करने, ये मैंने दलीम बनाई है आज, चिकन दलीम है और इसके साथ मैंने गुलाब जामुन प्रेजेंटेशन किए हैं। ये आप मेरे पेज को लाइक करें, एंजॉय कुकिंग सजीला मेरा पेज है फेसबुक पे और इंस्टाग्राम में भी शेफ सजीला मुजाहिद के नाम से है। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, हमें नई नई स्किल्स मिलती है, हमें अपने आप को प्रमोट करने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि हमें उन्होंने मौका दिया, होम शेफ को मौका दिया। अब हम लोग होम शेफ है तो हमें ये चीज़ें मिलती हैं तो बहुत अच्छा रहता है और काफ़ी अच्छा हमें रिव्यूज भी मिलते हैं। और आज ये टेस्टिंग करेंगे तो इंशाल्लाह हमें बताएंगे कि हमें क्या कमी है हमारे उसमें और हमें आगे भी बढ़ने का मौका मिलता है इस तरह। थैंक यू, थैंक यू समीना। मैं रजिया सलीम मेमन फूड की ऑनर हूँ, ठीक है। आज हम लोग आए हुए हैं कौथम की के इवेंट में। मेरा अफ्रीकन मुकवास है और ये अफ्रीकन निमको है, ये आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिलेगा। ये अफ्रीकन मुकवास है मींस पान मसाला और ये अफ्रीकन निमको है, ये आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मेमन फूड में मिलेगा। किसी ने आपसे होम डिलीवरी करानी है, किसी को ऑर्डर देना तो मुझे व्हाट्सएप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम होम डिलीवरी भी करवाते हैं। क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? आज का दिन माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है, खास करके हम लोगों के लिए जो हम घर बैठे खवातीन काम करती हैं, हमें अच्छा बहुत अच्छा मौका दिया जा रहा है, हम अपने काम को आगे लाना चाह रहे हैं, लोगों को दिखाना चाह रहे हैं अपना काम, ताकि हम भी कुछ आगे जाके बने, अपना नाम रोशन करें। वालेकुम अस्सलाम, अच्छा वी आर किटो लेडीज, ठीक है, हम दोनों ही किटो का काम करते हैं। मेरा नाम हुमा वास्ती और मेरे ब्रांड का नाम किटो क्लीन बाय हुमा वास्ती है। मेरा नाम सायमा अदनान है और मेरे ब्रांड का नाम सैम्स किटो किचन है। क्या बना के लाए हैं आप? आज हम ये रेनबो ब्रेड लेकर आए हैं, मार्बल केक लाए हैं और बनाना ब्रेड लाए हैं और ये सब बादाम के आटे से बनी हुई है। इसमें हमने स्वीटनर मॉन्क फ्रूट ऐड किया है, यानी ये मीठा भी और शुगर फ्री और ग्लूटेन फ्री है, यानी हेल्दी। क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? आज का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा, हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांस दिया गया अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए और बहुत हमें रिस्पेक्ट भी दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो अपने स्टूडेंट्स को साथ लेके चलता है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा आज का इवेंट हमारा। मैं तो ये कहूँगी कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, होम बेस को जो है आगे से आगे लेकर आना चाहिए और सबसे बड़ी बात ये कि जब इंस्टीट्यूट होम बेस को आगे लेकर आता है तो अपॉर्चुनिटीज और मिलती हैं और बढ़ने के चांसेस और मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच, जो आज इवेंट हुआ है गौतम में बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम एनी जुनेद है और मेरे ब्रांड का नाम होम स्पाइसेस है। मैं आज चिकन टिक्का रोल लेके आई हूँ और अंडे की मैसूप लेके आई हूँ। मेरा नाम फायजा ताहिर है और मैं फायजा होम डिलाइट्स की एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं 9 ईयर से ये अपना ऑनलाइन ऑर्डर कर 9 ईयर से मेरा ऑनलाइन काम चल रहा है। मैं आज कौतम में ये लज़ानिया बना के लेकर आई हूँ, प्लीज ट्राई करिए। आज के दिन बस आप बहुत अच्छा है, आप सब आए हैं आके हमें अप्रिशिएट कीजिए प्लीज, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आगे कुछ ना कुछ नया लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत से जो है बिल्कुल न्यू स्टार्टर हैं तो उनके लिए भी आप जरा हेल्प करें, सपोर्ट कीजिए हमें प्लीज, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, पहले तो अपने नाम बताइए, आपके पास आइटम मौजूद है। जी बिल्कुल, मेरा नाम फरब रोही है और मैं होम शेफ हूँ
और मेरा नाम नौशाबा इम्तियाज है और मैं भी होम सेफ हूँ और हम लोग घर से काम कर रहे हैं। हम लोग घर से काम, हम लोग कौथम में इनवाइटेड हैं, इन्होंने हमें इनवाइट दिया है। वी आर वेरी मच ऑनर्ड कि इन्होंने हमें चांस दिया है कि हम अपने लिए बनोफी पाई बना के लाए हैं, और उसके साथ बनोफी पाई का जो है उसके साथ जो हमारी जो एक और स्पेशलिटी है वो है चॉकलेट, बिग चॉकलेट चिप कुकीज, जायंट चॉकलेट चिप कुकी है। उसके साथ हमने जो है ना जी, ये जायंट कुकी है, इसको हम चॉकलेट चिप की जायंट कुकी कहते हैं, इसी तरह से इंट्रोड्यूस किया हमने। फरा ब्रोही होमशा जी, तो इसी पे काम कर रहे हैं। आप होम डिलीवरी वगैरह भी करते हैं? होम डिलीवरी का करते ही, होम डिलीवरी है, ऑनलाइन सर्विस है, वी डू नॉट हैव एन आउटलेट। क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, ऑनर्ड हूँ बहुत के कौथम ने इनवाइट किया। हमेशा कौथम में पढ़ना चाहती हूँ, बट ये इतना दूर है मेरे घर से कि मैं आ नहीं सकती। आप क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं हम लोग और मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। मिस, अगर आप ये सेल करती है तो इसकी क्या कॉस्ट होगी? इसके जो अगर मैं ये बनोफी पाई जो है ना, इट्स फॉर 1500, बड़ा साइज होता है, 10 इंच का पैन होता है जी। थैंक यू जी, बहुत जबरदस्त ही लग रही है, चलें इसको ट्राई करते हैं, फिर आपके साथ करते हैं शेयर। और जो है ना वो एक इंग्लिश डिजर्ट है जो ब्रिटिश में तकरीबन 1800 में इंट्रोड्यूस हुई थी, और इसका जो इन्होंने इन्वेंट किया था वो इस तरह से किया था कि पाई क्रस्ट, ये कुकी क्रस्ट है और इसके साथ बनानाज हैं, क्रीम है और चॉकलेट के साथ, और मेजली कैरामेल के साथ बनती है जी। जबरदस्त है जी, इसको ट्राई करते हैं। अच्छा जी, हम आ गए हैं जो सलमान फूड के स्टॉल पर, एट ट्रेवर टू योर एवरी रिजर्व। मोहम्मद रमेश, आप क्या सर्व कर रहे हैं यहाँ पे? सलमान की टॉपिंग्स हम ट्राई करा रहे हैं टेस्ट। अच्छा, आप टॉपिंग सर्व कर रहे हैं? जी जी जी, आइसक्रीम के अंदर। जी जी जी, चलिए जी, ये सलमान की टॉपिंग्स हैं। कौन कौन सी फ्लेवर इस वक्त आपके पास मौजूद है? ये चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, कॉफी और क्रेमल टॉपिंग। तो मुझे क्रेमल टॉपिंग आप ट्राई करवाएं। और आइसक्रीम कौन सी है? ये वॉल्स की है, फ्लेवर कौन सा है ये? देखो ये जो है, जनाब ये है टॉपिंग, कैरेमल, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और कॉफी। इसको आप डिफरेंट किस्म की स्वीट डिश के ऊपर भी आप टॉपिंग कर सकते हैं। ये आपको नहीं मिलेगी, ये मेरी आपको अपनी सीक्रेट रेसिपी है। ये फ्रेश कोकोनट से बनता है, ये फ्रेश कोकोनट से बनाती है, नहीं कहीं भी नहीं, मेहमान फूड का आपसे वादा है। ये भी टेस्ट करें, ये फ्रेश नारियल से बनता है, फ्रेश कोकोनट से ये भी आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिलेगा।
यहाँ चल रही है टेस्टिंग हलीम की और जो बनाया है सजीला मुजाहिद ने, आए हम भी टेस्ट करते हैं। टेस्ट करेंगे गुलाब जामुन, तो ये बहुत ज़बरदस्त और यमी यमी से गुलाब जामुन है, इनको ट्राई करते हैं। और जनाब अब आ गई है बारी टेस्टिंग की, और इस वक्त हम हैं मौजूद डबल नॉट। असलम एवरी एवरीवन, आज हम लोग मौजूद हैं कौथम इंस्टीट्यूशन में जो कि शेफ इंटरनेशनल डे बना रहे हैं, और आज इन्होंने बेसिकली फोकस किया होम बेस्ड शेफ को। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सायरा हायरिस, और ये इनका आइटम है जिसमें ये हाई टी आइटम है जो कि अभी ज़्यादातर टेस्टिंग में क्योंकि जा चुके हैं, तो इस वजह से कुछ सिलेक्टेड आइटम है, बट ये कुछ बेकिंग आइटम भी थे जिसमें कप केक थे, ब्राउनी थी, और ये बनाना ब्रेड है इनकी। अभी मैं इनकी ये जो हुमस के साथ जो इन्होंने रखी है पीटा ब्रेड है और चैलिडे, मैं इसको ट्राई करने लगी हूँ क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। और इस वक्त इस पूरी टेबल पे जो इस वक्त यहाँ पे है वहाँ पे ये आइटम किसी के पास नहीं है। ये मेरा मोस्ट रनिंग आइटम, वेरी वेल डन, टेस्ट टेक्सचर और सर्विंग अब पूरा मार्क है, और मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इन लोगों को अप्रिशिएट करें, इनको ऑर्डर दें और इनको टाइम दें कि ये अपने बिजनेस में और अपनी एक्सपर्टीज शोर करें आप लोगों के लिए। और सबसे बढ़ के ज़रा इनको देखिएगा ये कि ये माशाल्लाह सर्टिफाइड हैं, तो डेफिनेटली आप इनसे एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं, टिप्स भी ले सकते हैं। तो जनाब अब बारी ये आगे है जनाब शाही रबड़ी टुकड़े। पहले जैसे कि ज़माने में शाही टुकड़े जो थे हर शादियों की जीनत होते थे, और वो अपने जायकों से जो है पहचाने जाते थे, लेकिन आजकल के ज़माने में शाही टुकड़े ना जायके के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़बरदस्त जनाब, बात वही है पहले दिल खाता है फिर आंखें खाती हैं फिर जबान खाती है, बहुत ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त है। और ये के टेस्ट इसका बड़ा औसम है जनाब, ट्राई करें आप। और राशिद भाई अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो, टेस्ट बहुत अच्छा है और स्वीटनेस इतनी बैलेंस है कि ना हम इसको बिल्कुल अंडर रेट कर सकते हैं ना ओवर रेट कर सकते हैं। मीठे की सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो आपके टेस्ट बर्ड को टच करे ना कि उसको ख़त्म कर दे, क्योंकि खाने के एंड का टाइम होता है, तो इनके लिए बहुत ज़बरदस्त एफर्ट्स हैं। और ये इनके चाही टुकड़े आपने खुद बनाई है जनाब, ये रबड़ी भी होम मेड है और शाही टुकड़े भी दोनों आइटम होम मेड है, तो ये होम मेड शेफ का कमाल देखें, बहुत ज़बरदस्त काम किया है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ माहिरा, और आज जो गौतम के अंदर जो इवेंट हो रहा है शेफ डे का, नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त इवेंट है, और फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में जो है होम शेफ्स को इतना प्रमोट होते हुए देखा है। वाकई में बहुत ज़बरदस्त इवेंट है, और मैं आप सबसे यही कहूँगी कि इस तरीके से जो भी होम शेफ्स हैं उनके इवेंट्स में आया करें, उनको करें, उनके काम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रमोट करें, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करके उनका हौसला बढ़ाएं, खासतौर पर वो खातें जो कि इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रफीक वयानी है, मेरा भी स्टूडियो इंटरनेशनल से ताल्लुक है, और आज साबिर साहब ने मुझे इन्वाइट किया कि होम बेस्ड शेफ के आज जो क्रिएटिविटी है जो शो किया है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा मुझे, रियली नाइस और बेहतरीन फूड, और जिन्होंने कोविड से स्टार्ट किया है और कुछ लोगों ने पढ़े भी हुए हैं जो होम पे शिफ्ट कर रहे हैं काम यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और बिल्कुल यूनिक क्रिएटिविटी जो सवैयों का और साथ साथ जो यानी अलग ही रेसिपीज
बिल्कुल डिफरेंट और कुछ कॉपी की हुई थी यूरोपियन से। मोहम्मद उज़ैफा वेरी इंस्पायर्ड यहां पे प्लीज कम फॉरवर्ड। सर आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे, जो इवेंट इस तरह से होना चाहिए, कॉपी को प्रमोट किया, होम शेफ स्पेशली ये वर्ल्ड फूड डे वर्ल्ड शेफ डे जो मनाया जा रहा है पाकिस्तान में, पहले इसकी इतनी वो थी नहीं, इस तरह से अवेयरनेस काफी अवेयरनेस क्रिएट की गई है शेफ क्या होता है ये बताया जा रहा है, वर्ल्ड फूड डे फूड को वेस्टेज ना करना, बहुत सारी चीज़ें इसको बताएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम अज़हर जमील, कॉर्पोरेट लाइज़ॉन मैनेजर कौथम कराची। आज हम कौथम नॉर्थ नाज़िमाबाद कैंपस में एक होम शेफ्स का हमने पूरा एक गैदरिंग रखी है, इंटरनेशनल शेफ डे बेसिकली हमने सेलिब्रेट किया है, हम हर साल करते हैं, कौथम कराची का ये बेंच मार्क है कि अलहमदिल्ला कराची में हमने शेफ डे को इंट्रोड्यूस कराया और देखते ही देखते अलहमदिल्ला आज जिस तरह 20 अक्टूबर को बनाया जाता है और पूरे कराची में होटल्स ने, रेस्टोरेंट्स ने, डिफरेंट शेफ्स ग्रुप ने, क्लब ने और इंटरनेशनल शेफ डे सेलिब्रेट का, इसी मुनासबत से आज हमने तमाम होम शेफ्स को बुलाया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कराची से होम शेफ्स यहाँ पे मौजूद हैं और इंटरनेशनल शेफ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जितने भी व्यूवर्स हैं मैं उनको भी थैंक यू कहूँगा और हैप्पी इंटरनेशनल शेफ डे, थैंक यू सो मच। डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और जो मेंबर्स थे यहाँ के पार्टिसिपेंट थे उन सब को जो है बाकायदा सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं और ये हैं यूसुफ और इस तरह दीगर जो भी पार्टिसिपेंट थे उन सबको यहाँ पे सर्टिफिकेट्स दिए गए, वन बाई वन सबको स्टेज पर बुलाकर और आप देख सकते हैं। तो जनाब आज का आपने ब्लॉग देखा, मैं भी पर्सनली ये कहूँ कि आज बहुत मज़ा आया, माशाल्लाह सारी तमाम खवातीन होम शेफ जो थी कराची की मोस्टली यहाँ पे सब जमा थी, सब ने बहुत अच्छी अच्छी जो है डिशेस बनाई हुई थी, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सी प्रेजेंटेशन थी और एक बार मैं भी ये कहूँगी कि इस तरह के इवेंट्स जो हुए होने चाहिए, खवातीन को अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, उनकी हौसला अफजाई होगी तो उनको ये होता है कि जी मज़ीद अच्छी अच्छाई की तरफ हो जाएंगे, उनका काम मज़ीद अच्छा होगा। और इतने सारे होम शेफ यहाँ मौजूद थे, आप में से जो लोग मेरे चैनल्स को देख रहे हैं तो काइंडली आप लोग जो है इनसे ज़रूर ऑर्डर्स कीजिएगा, उनके कॉन्टैक्ट्स या डिस्क्रिप्शन में सबके मिल जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, दुआ करती हूँ कि आप सब जो है अपनी जगह पर खैरियत से होंगे। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल मिसेस व्लॉग बाय समीना जी, अपना भरपूर ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।